सोलरेबल में आप सभी का स्वागत है। आप में से काफ़ी सारे लोगों का ये कमेंट आया है कि जो सोलर सिस्टम लगाना या फिर यहाँ पे पैसे का इन्वेस्टमेंट करना पैसे की एक तरीके से बर्बादी है, क्योंकि यहाँ पे हमें जितना रिटर्न मिलेगा उससे कहीं ज़्यादा रिटर्न हमें बैंक दे देता है। तो आज के वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं कि सोलर सिस्टम के अंदर अगर आप पैसे लगाते हैं या फिर सोलर सिस्टम के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ये आपके लिए एक अच्छा मौका है या फिर ये आपके लिए एक बड़ा धोखा है। फर्स्ट यहाँ पर बात करते हैं कि करंट टाइम के अंदर हमें कौन कौन से इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन मिलते हैं। तो जितने भी ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास है इनको हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी यहाँ पे लो रिस्क वाले, यहाँ पे जो भी ऑप्शन हमको मिलते हैं जैसे कि फिक्स डिपॉजिट हो गया या फिर जो गवर्नमेंट की स्कीम चलती है वो सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। जहाँ पे क्या होता है कि हमें जो रिटर्न मिलता है वो थोड़ा कम होता है, यानी कि 8% से लगा के 10% तक सालाना हमें मिल सकता है और यहाँ पे जो रिस्क है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है। सेकंड कैटेगरी है यहाँ पर मीडियम रिस्क वाला इन्वेस्टमेंट, जिसके अंदर क्या होता है कि हम जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं यहाँ पर उसके ऊपर कुछ हद तक जो है रिस्क बना हुआ होता है, जिसके अंदर हमारे म्यूचुअल फंड आ गए, इसके बाद हम रियल इस्टेट जो प्रॉपर्टी वगैरह खरीदते हैं और इसके साथ ही जो गोल्ड वगैरह के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये तीनों मीडियम रिस्क में आते हैं। जहाँ पर रिस्क फैक्टर होता है वो काफ़ी कम होता है लेकिन रिस्क फिर भी बना हुआ रहता है। और जो लास्ट कैटेगरी है वो है हाई रिस्क वाली, जिसके अंदर आ गए हमारे शेयर मार्केट, जहाँ पे क्या है कि आप एक दिन के अंदर करोड़पति भी बन सकते हैं और हो सकता है कि एक दिन में आपका सब कुछ टूट जाए और आप रोड पे भी आ सकते हैं। यह तो हो गए वो सारे ऑप्शन जिनके अंदर हम इन्वेस्टमेंट करके अपनी जो सेविंग है उसके ऊपर लगभग 10 से लगा के 15% तक सालाना यहाँ पे कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम इससे भी ज़्यादा जो है हमारे सेविंग से कमा पाएँ तो यहाँ पर आप सोलर सिस्टम के अंदर जा सकते हैं। अगर हम बात करें सोलर सिस्टम की तो यहाँ पे सोलर सिस्टम से कितना रिटर्न कमाया जा सकता है, तो इस चीज़ को जानने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सोलर सिस्टम की प्राइसिंग क्या है। अगर यहाँ पर बात करूँ मैं ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम की तो लगभग 1 किलोवाट जो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम है ये लगभग 40,000 से लगा के 50,000 रुपये के अंदर आ जाता है। अगर आप किसी भी इंस्टॉलर से पता करेंगे तो यही प्राइस रेंज है जिसके अंदर ये मिल जाता है। इसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पे ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम, यानी कि जो सोलर सिस्टम बैटरी के साथ आता है, तो इसकी प्राइसिंग लगभग 50,000 से लगा के 70,000 रुपये के अंदर आपको मिल जाता है। यहाँ पर आप किस कंपनी की बैटरी ले रहे हैं, किस कंपनी के सोलर पैनल, कौन सी टेक्नोलॉजी, उसके हिसाब से क्या होती है जो प्राइसिंग है वो ऊपर नीचे होती रहती है। तो ये सारी चीज़ें के अंदर अगर हम ओवरऑल देखें तो हम मान सकते हैं कि ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम 50,000 रुपये और ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम हम 70,000 रुपये का यहाँ पर मान लेते हैं। यह जो प्राइसिंग आपको बताई है ये जितने भी यहाँ पे इंस्टॉलेशन चार्जेस, प्रोडक्ट वगैरह सारी चीज़ों को इंक्लूड करके बताई गई है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि हमें को कितनी सेविंग हो सकती है, यहाँ पे कितना रिटर्न मिल सकता है, तो इस चीज़ को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहली होगी यहाँ पर रेजिडेंशियल और दूसरा यहाँ पर कॉमर्शियल सेक्टर। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं रेजिडेंशियल सेक्टर की, यानी कि जो घरेलू हमारे घर वगैरह है यहाँ पर हम सोलर लगाते हैं तो हमें कितने टाइम में जो सोलर सिस्टम हम इंस्टॉल करा रहे हैं इसका जो यहाँ पे पैसा होगा वो रिटर्न हो जाएगा और आने वाले कितने टाइम तो हमें कितने परसेंट यहाँ पे रिटर्न मिलेगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे ये जान लेते हैं कि हमारे जो घर के अंदर जो बिजली आती है इसकी जो पर यूनिट की रेट होती है वो 8 रुपये के हिसाब से होती है। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि एक घर का जो टोटल कंजप्शन है वो डेली का 5 यूनिट का है, तो अगर हम इसको सालाना गिने यानी कि लगभग अप्रोक्स यहाँ पे अगर 365 से इसको मल्टीप्लाई करें तो लगभग कुछ 1825 के आसपास ये आ जाता है। अब इन 1825 को हम अगर 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो लगभग 14,600 रुपये के आसपास का हमारा कुछ ईयरली यहाँ पे बिजली का बिल होता है। और इसके साथ में यहाँ पे जो स्थायी शुल्क होता है वो आप सभी के बिल के ऊपर आप देख सकते हैं कि हर महीने या 2 महीने से जब भी आपका बिल आता है तो उसके ऊपर जुड़ के आता है, लेकिन हम उसे यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर रहे, खाली 14,600 को मान रहे हैं। अब इसी जगह अगर हम यहाँ पे 1 किलोवाट सोलर सिस्टम इंस्टॉल कराते हैं, ज़्यादातर क्या होता है कि 1 किलोवाट के लिए बैटरी के साथ में सोलर सिस्टम लगाया जाता है, तो इसकी प्राइसिंग अगर हम यहाँ पे देखें तो 70,000 रुपये है। अब इन 70,000 को हम अगर डिवाइड करें 14,600 से तो लगभग 4 साल के अंदर जो हमारे सोलर सिस्टम के पैसे वो हमें पूरी तरीके से रिटर्न हो जाएंगे और इसके बाद में आने वाले कई सालों तक हमें क्या होगी यहाँ पे मुफ्त की बिजली मिलेगी और एक तरीके से बताएं तो 14,600 रुपये की हमारे जो ईयरली सेविंग हो गई पर किलोवाट के ऊपर। इसके साथ ही अगर आप ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगाते हैं यानी कि बिना बैटरी के नेट मीटर के साथ में तो लगभग हम इसके मैक्सिमम प्राइस यहाँ पे मान रहे हैं 50,000 रुपये। वैसे 45,000 रुपये के अंदर आप कहीं पे भी पूछोगे तो आपको ये अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन 50,000 के हिसाब से अगर इसे कैलकुलेट करें तो लगभग 3 साल के अंदर ही जो आपका टोटल यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगा वो रिटर्न हो जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कॉमर्शियल सेक्टर की, तो कॉमर्शियल सेक्टर के अंदर जो पर यूनिट की रेट होती है वो 12 रुपये के हिसाब से होती है और इसके साथ में यहाँ पे जो स्थायी शुल्क होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन हम यहाँ पे स्थायी शुल्क को कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं,
सेम 5 यूनिट अगर यहाँ पर भी खर्च होंगे तो लगभग हमें 1825 यूनिट के आसपास वही कुछ यूनिट हुए हैं, और यहाँ पर अगर इसके रुपए कैलकुलेट करें तो लगभग 21,900 के आसपास कुछ अमाउंट हो रहा है। तो इस अमाउंट को अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, अगर हम यहाँ पे सोलर सिस्टम लगा लेते हैं तो हमें कितने साल में जो रिटर्न मिल जाता है, तो लगभग यहाँ पर अगर आप देखेंगे 17,000 को डिवाइड करेंगे इस अमाउंट से, तो लगभग 3.5 साल के अंदर ही जो हमारा इन्वेस्टमेंट है, हमने जो सोलर सिस्टम के लिए रुपए खर्च किए, वो हमें रिटर्न मिल जाएंगे और आने वाले कई सालों तक हमें यहाँ पे फ्री बिजली मिल पाएगी। अगर यहाँ पे भी सेम अगर हम ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगाते हैं तो लगभग हमें यहाँ पे 3 साल के अंदर ही जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो रिटर्न मिल जाएगा। तो ये तो हो गई यहाँ पे पूरी कैलकुलेशन। अगर ओवरऑल हम इसको सिंपल भाषा में समझे तो लगभग हर साल आपको 20% से ज़्यादा का यहाँ पे रिटर्न मिल जाता है अगर आप रेजिडेंशियल या फिर घरों के अंदर सोलर सिस्टम लगाते हैं तो। अगर इसके साथ ही अगर आप कॉमर्शियल सेक्टर के अंदर सोलर सिस्टम लगा रहे हैं तो आपको 3 साल के अंदर ही आपका जो जितना भी इन्वेस्टमेंट आपने किया है वो रिटर्न हो जाएगा, और इसके बाद में आने वाले कई सालों तक आपको यहाँ पे मुफ्त बिजली मिलेगी। ये एक रफली कैलकुलेशन है जो आप लोगों को यहाँ पे बताई है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लगभग 20% तो कम से कम आपको यहाँ पे हर साल रिटर्न मिल रहा है। इसके साथ में यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें एक्स्ट्रा होती है कि सोलर पैनल कई बार टूट जाते हैं, या फिर हो गया कि आपकी बैटरी ख़राब होगी, या फिर हो गया कि आपको इन्वर्टर चेंज करना पड़ा, कुछ शॉर्ट सर्किट हो गया, कुछ प्रॉब्लम होती है, तो इस चीज़ को हमने यहाँ पे कैलकुलेट नहीं किया है। और इसके साथ ही क्या होता है कि जो हमारा स्थायी शुल्क होता है जो मीटर के साथ जुड़ा हुआ है, तो उसे भी हमने कैलकुलेट नहीं किया है। तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे एक एवरेज मान सकते हैं कि लगभग 20% तक यहाँ पे हमें हर साल यहाँ पे रिटर्न मिल पाएगा, जो एक काफ़ी बेहतरीन ऑप्शन है, रिस्क फ्री है। तो ये एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है आप लोगों के लिए भी, आप घरों के अंदर या फिर कॉमर्शियल जगह पे भी सोलर सिस्टम लगा सकते हैं और यहाँ पे भी आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल पाएगा। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए। आपका अगर कोई सुझाव हो या आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।